I came from Delhi, from School of Drama. I thought I am a very good actor. मैं एक पिक्चर करूँगी तो लोग मेरे पास भागे भागे आएंगे क्योंकि मैं इतना अच्छा काम करूँ. मैंने पहली फिल्म की कमर्शियल फिल्म साथ साथ विच वॉज अ कॉमिक रोल वेयर आई प्ले अ लल्लू गर्ल विद स्पेक्स एंड ऑल एंड आई से अ लाइन मैना कहती थी विच बिकेम अ वेरी बिग हिट एंड आई मेट गिरीश कानाट एट द प्रीमियर ऑफ द फिल्म पार्टी. तो ही सेज यू डन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ नाउ नोबडी विल गिव यू हीरोइंस पार्ट विच वॉज करेक्ट बिकॉज आई वॉज ऑफर्ड द सेम पार्ट्स फॉर 2 years एंड वुमन गर्ल एट दैट टाइम स्पेशली अब तो थोड़ा फर्क हो गया हु डज कॉमेडी खत्म फिर वो हीरोइन नहीं बन सकती. दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी. एंड ऐसा भी नहीं था कि वो हिट हो गई तो लोग मेरे पास आए कोई नहीं आता आपके पास. यू हैव टू पुश 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 यू फेल यू गेट अप एंड यू पुश एंड यू कैन नॉट बी a shy person. I was very shy. I will not go to people. But you have to make a list. Go to people. You are rejected. I am rejected till now. I feel very bad. But I am at it. Two rejection ho gaye bade bade mere after badhai ho. You know, it still pains a lot. But I can't say chodo yaar. So this is the main thing. कि जो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं. प्रॉब्लम यही है हमारे हिंदुस्तान का, शायद मैं हो सकता गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना डिफरेंस है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में और हम लोग मान के चलते हैं कि मेरी लिबर्टी है या मेरी लाइफ है तो मुझे तो ऐसा रहना है. लेकिन आप जो बाहर ऑटो वाला बैठा हुआ बेचारा, वो कहाँ से आया है, मिर्ज़ापुर से, उसने स्कर्ट वाली लड़कियाँ देखी नहीं अपनी लाइफ में. तो वो मेरे लिए भी ये कांस्टेंट एक डिबेट रहता है कि मैं अपने कलीग्स के साथ और जो एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कुछ 7-8 साल 10 साल पहले हम लोग, नहीं 15 साल पहले जब मैं प्रदीप सरकार जी की असिस्ट करता था, तो हम लोग आए यहाँ पर शूटिंग के लिए, तो मेरी टीम में लड़कियाँ थी, वो पार्टी बजाना चाहती थी रात को और उन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे. तो मेरा बहुत झगड़ा हुआ उनसे. मैंने कहा नहीं, ये तो दरिंदों का शहर है, ये तो बॉम्बे कुछ हो जाएगा. बॉम्बे सबसे बेटर क्योंकि है. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली का था. दिल्ली का जो एक्सपीरियंस होता है वहां पर, मतलब यहाँ तक हुआ था कि यूनाइटेड कॉफी हाउस के सामने मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और वहां पे लड़के घूर रहे थे और मैंने उनको ऐसे किया तो उन्होंने रिप्लाई में मुझे ऐसे किया. मेरी बीवी ने बोला कि चलो. तो आई गेस वो उस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए जो नीना जी बोल रही है, बिल्कुल करेक्ट बोल रही है, उस सेंस में कि आप अपने टैलेंट को, आपका जो एक्टिंग है, जो आप सीख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल करें. मुझे ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहते हैं, हीरोइन नॉट ग्रेट एक्टर और समथिंग, हीरोइन आप में से कई लोग बनना चाहते होंगे, तो यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम व्हाट एवर द रोल इज. Somebody very senior actress who I respect a lot, who's a good actor, she told me. She says, अभी ना कोई ऐसा रोल आता है तो ऐसे अपने आप को मत बता देना, गरीब है तो भी अच्छा ही दिखो थोड़ा. So this is what she told me. You know, not a character thing, but as a lead. Commercial. तो पहले मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि जब मुझे कोई character मिला है तो मैं सोचूंगी कि do I know anybody like that? मेरे एक्सपीरियंस में, जीवन के अनुभव में कोई ऐसा है जिसको मैं जानती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिले. फिर हर बार ज़रूरी होता कि आपका वही एक्सपीरियंस हो, आप बहुत अलग प्रकार के इंसान होते हैं जैसा आपको करना होता. मैं ढूंढ अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि कोई ऐसा मैं जानती हूँ सो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है अबाउट मैनरिज्म, अबाउट वॉक एंड थिंग्स लाइक दैट. पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू थिंग्स आई फील एज एन एक्टर. वन इज यू हैव टू मीन द लाइन्स, दैट्स इट. जैसे कई बार आप बुक पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ना, पर पूरी पढ़ जाते हैं एक पन्ना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव कॉन्सेंट्रेशन. अभी भी अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम नॉट लिसनिंग एंड आई एम नॉट मीनिंग. सो टू थिंग्स, वन यू हैव टू मीन वॉट यू आर सेइंग. One day you have to listen to the other guy or girl. And that's it. But वही सबसे मुश्किल होता है. So
अब मैं यही करती हूँ कि मैं अपना तो कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि मैं दूसरे की लाइन सुनूँ, क्योंकि याद तो रहता है, सुनूँ और जो मैं ये इनकी आदत है और जो मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ और नहीं चल रहा पर काफ़ी बार चलता है, तो जो मैं बोल रही हूँ, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, उसके बाद सॉरी मैं सुन रहा हूँ, मल्टीटास्किंग करता हूँ मैं, जैसे सो इन एक्टिंग यू शुड नॉट डू मल्टीटास्किंग, यू हियर यू थिंक। जब आप स्टूडेंट्स से मिलते हैं इस तरह की बैच में, तो आप सबसे पहले तो पास्ट में चले जाते हैं, आपको अपना अपने यही दिन याद आते हैं और सबकी आंखों में बहुत एनर्जी थी और सपने हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे देख के उनको देख के डर भी लगता है और खुशी भी होती है, और ऐसा लगता है कि जो बुरा मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो और उनके साथ सब अच्छे अच्छा हो, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। माई मैसेज इज वर्क हार्ड एंड डोंट लूज होप।